Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at Tag TV. Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा, विभागीय हुकूमत ने 7.9 मिलियन डॉलर के तेज तरीन टेस्ट खरीदने का फैसला कर लिया। ओंटेरियो में कोरोना वायरस में इजाफे का सिलसिला जारी है। सूबाई हुकूमत की जानिब से लॉन्ग टर्म केयर होम में मुलाकातों के तरीके में तब्दीली का फैसला किया गया है। CERB का इख्तिताम, कैनेडियन हुकूमत का कोरोना वायरस के सबब मुलाजमत से महरूम होने वालों की मदद के लिए नया बिल पास हो गया। कैनेडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी, मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 1,55,961 हो गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 3,38,78,155 तक जा पहुंची है, जबकि इस मौजी वायरस से हलाकतें 10,13,233 हो गईं। पहले सदारती मुबाहिसे में गालम गलोच और तूफान बदतमीजी का मुजाहरा, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में सारी हदें पार कर ली गईं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Greenish hand sanitizer, Ala Clean quality, 75% food grade alcohol, non-sticky or non-oily formula. Aaj hi apni kareebi pharmacy se khareedein ya hamari website par order karein, www.greenish.com. कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699 फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 905-956-6699। कनाडा की विभाग की हुकूमत ने 7.9 मिलियन डॉलर के तेज तरीन टेस्ट खरीदने का फैसला किया है। मजीद हवाले इस रिपोर्ट में। कनाडा की विभाग की हुकूमत ने 7.9 मिलियन डॉलर के तेज तरीन टेस्ट खरीदने का फैसला किया है और हेल्थ कनाडा के एक रेगुलेटरी अमल का दिफा किया, जिसने मुल्क में रैपिड टेस्टिंग डिवाइसेस रखी हुई हैं, जहां केसेस में इजाफा होता है। अवामी खिदमात की वजीर अनीता आनंद का कहना है कि अमरीकी लेबोरेटरी हुकाम चाहते हैं कि ऐसे वक्त में जब कनाडा को दबाव का सामना हो तब टेस्टिंग की जाए। अमरीकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अब तक दर्जनों तेज रफ्तार टेस्टिंग आलात की मंजूरी दे दी है। कनाडा की वजीर सेहत ने कहा है कि इस तरह के टेस्ट सिर्फ कनाडा में ही शुरू किए जाएंगे जब यहां के रेगुलेटर्स को यकीन है कि वो इस्तेमाल में महफूज हैं। अगरचे कनाडा ने ये मारूफ अमरीकी कंपनी से खरीदने का ऐलान किया है, लेकिन इस टेस्ट को अभी तक हेल्थ कनाडा ने मंजूर नहीं किया है। आनंद का कहना है कि वो ये नहीं बता सकती कि कब ये डिवाइस ऑन्टेरियो और क्यूबेक जैसे सूबों में तैनात की जाएंगी, जहां घंटों लंबी लाइनें एक तशवीश का बायस बनी हुई हैं। प्रीमियर डग फोर्ड ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर पहली से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। हालात सबके सामने हैं और कोरोना के केसेस की तादाद तेजी से बढ़ रही है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस में इजाफे का सिलसिला जारी है, जबकि सूबाई हुकूमत की जानिब से लॉन्ग टर्म केयर होम में मुलाकातों के तरीके में तब्दीली का ऐलान किया गया है। गुज़िश्ता रोज सूबे में कोरोना वायरस के 554 नए केसेस सामने आए। सूबे में सबसे ज्यादा केसेस टोरंटो में 251, ऑटावा में 106 और पील में 79 और यॉर्क रीजन में 43 केसेस सामने आए। ऑटावा में एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस सामने आए। डेली प्रेस ब्रीफिंग से खिताब करते हुए प्रीमियर डग फोर्ड का कहना था कि जिन इलाकों में कोरोना वायरस फैल रहा है वहां के लॉन्ग टर्म केयर होम्स में विजिटर्स के लिए तब्दीलियां की जा रही हैं। उनका कहना था कि हम मराकस में कोरोना को दाखिल नहीं होने देंगे। प्रीमियर डग फोर्ड ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर पहले से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि हालात सबके सामने हैं और कोरोना के केसेस की तादाद तेजी से बढ़ रही है। फोर्ड ने यह भी कहा कि सूबा तवील मुद्दती नगहदाश्त के शोबे में 540 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है, जो इन्फेक्शन कंट्रोल के अमले के लिए मुआवनत, तंजीन आराइश और ज़ाती हिफाजती साजो सामान PPE हासिल करने में मदद फराहम करेगा। कैनेडियन हाउस ऑफ कॉमन्स ने मुतफिका तौर पर एक नई कानून साजी की मंजूरी दी है, जिसके नतीजे में कोरोना वायरस के सबब बेरोजगार रह जाने वाले या मुलाजमत से महरूम होने वाले अफराद की मदद की जा सकेगी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
कैनेडियन हाउस ऑफ कॉमन्स ने मुत्तफिका तौर पर एक नई कानून साजी की मंजूरी दी है, जिसके नतीजे में कोरोना वायरस के सबब बेरोजगार रह जाने वाले या मुलाजमत से महरूम होने वाले अफराद की मदद की जा सकेगी। इस अमल में अकलियती लिबरल हुकूमत वबाई सूरत हाल में एतमाद के इम्तिहान से बच गई। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि अभी इलेक्शन नहीं हो रहे, चूंकि मुल्क में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। तकरीबन 4.5 घंटों की बहस के बाद से हाउस ऑफ कॉमन्स में बिल C4 को मंजूर किया गया, जिसके बाद बिल को सेनेट से पास कराया जाएगा। हुकूमती हाउस लीडर ने इससे कबल ये ऐलान किया था अगर ये बिल मुस्तरद हो गया तो हुकूमत गिर जाएगी। ताहम इसके कोई इम्कानात नहीं, जबकि NDP ने भी इसकी हिमायत का वादा किया है। इस बिल को हुकूमती जानिब से कोरोना वायरस के सबब दी जाने वाली $500 फी हफ्ता की इमदाद के मुतबादल के तौर पर देखा जा रहा है, जिसे हाल ही में खत्म कर दिया गया है, जिसे 9 मिलियन के करीब कैनेडियन मुस्तफीद हो रहे थे। कैनेडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,291 हो गई है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तला के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 155,961 हो गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,291 है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमुई केसेस की तादाद 73,450 हो गई, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के 22 हलाकतों की तादाद 5,833 तक पहुँच चुकी है। मॉन्ट्रियाल और क्यूबेक में कोरोना से हिफाजती इकदाम के तौर पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम बार और रेस्टोरेंट्स को ताहुक में सानी बंद कर दिया गया है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस के मुतासरीन की मजमुई तादाद 51,085 तक जा पहुंची है। सूबे में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,844 है। अल्बर्टा में 17,909 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि 266 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलम्बिया में 9,013 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 234 है। दुनिया का कोई खिता कोरोना वायरस की मौजी वबा से महफूज नहीं, इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया का कोई खिता कोरोना वायरस की मौजी वबा से महफूज नहीं, इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 3,38,78,156 तक जा पहुंची है, जबकि इस मौजी वायरस से हलाकत ने 10,13,233 हो गई। कोरोना वायरस के केसेस के एतबार से 10 सर फहरिस्त ममालिक में 33 करोड़ से जायद आबादी का हामिल अमेरिका पहले नंबर पर है, जहाँ इस वायरस से अब तक 2,10,797 अफराद मौत के मुँह में पहुँच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमुई तादाद 74,06,729 हो चुकी है। कोरोना वायरस के अमरीका में 25,46,411 मरीज अस्पतालों, करंटीना मराकज में जेर इलाज और घरों में आइसोलेशन में हैं, जिनमें से 14,206 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 46,49,521 कोरोना मरीज अब तक शिफायाब हो चुके हैं। भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया, जहां कोरोना से 57,541 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासर मरीजों की तादाद 62,29,474 हो गई है। कोरोना मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राजील तीसरे नंबर पर चला गया है, जहाँ ये वायरस 1,43,010 जिंदगियां निकल चुका है, जबकि मरीजों की तादाद 47,80,317 तक जा पहुंची है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 20,722 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 11,76,286 हो चुकी है। फेरिस में 10वें नंबर पर मौजूद साउथ अफ्रीका में कोरोना वायरस की वबा से मजमुई अमवात 16,674 हो चुकी हैं, जहां इस वायरस के अब तक कुल केसेस 6,72,572 रिपोर्ट हुए हैं। फेरिस में सऊदी अरब 17वें नंबर पर है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 4,729 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,34,187 तक जा पहुंची है। अमेरिका में नवंबर के सदारती इंतखाब के लिए होने वाले ट्रंप के साथ पहले मुबाहिसे के दौरान डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन ने इंशाअल्लाह के अल्फाज कहे। मजीद हवाले इस रिपोर्ट में। अमरीका में नवंबर के सदारती इंतखाबात के लिए होने वाले ट्रंप के साथ पहले मुबाहिसे के दौरान डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन ने इंशाअल्लाह के अल्फाज कहे। पहले सदारती मुबाहिसे में गालम गलोच और तूफान बदतमीजी का मुजाहरा भी देखने में आया, जिसके दौरान एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में सारी हदें पार कर ली गयी। अमरीकी सदर ट्रंप और हरीफ जो बाइडेन ने एक दूसरे पर इल्जाम की बौछार कर दी। जो बाइडेन ने ट्रंप को शटअप कॉल दी तो ट्रंप ने बाइडेन को माजी याद दिलाकर झड़क दिया। ट्रंप ने कहा कि शायद इंतखाबी नतीज आने में कई माह जाएं। जो बाइडेन ने कहा कि वो नतायज तस्लीम कर लेंगे। ट्रंप ने सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मस्खरा, नस्ल परस और रूसी सदर की कठपुतली कह डाला। अमरीका के सदर ट्रंप ने बाइडेन को माजी याद दिलाकर झिड़क दिया, खबरदार किया कि उनके सामने स्मार्ट का लफ्ज इस्तेमाल ना करें। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAG TV.
सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।